दोस्तों, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने छोटे शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था, दुखों की दुनिया में जीना लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेके आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। दोस्तों, उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ, ऐसी स्थिति में सुखी कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर में गया। दूसरा बोला, अब क्या हुआ भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ, ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर जाओ। वह तीसरे घर गया, चौथे घर गया, किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को दोषी बताती है, पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता है, पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश बताता है, पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता है। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया, सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर की बात, खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, न तो कोई सुखी मिला और न सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी है, उसके किस बात का दुख है? दोस्तों, उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है, दूसरों की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो, प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो, खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। दोस्तों, शिष्य बोला, महाराज, बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही बात मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई? गुरु ने कहा, वह सीधा नहीं पछता, अगर यह बात मैं सुबह बता देता तो तू हरगिज नहीं मानता, जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए तो बात समझ में आ गई है, अब ये बात तुम पूरे जीवन में नहीं भूलोगे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।